और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, तो इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से सामने आ रही है। तो भरतपुर से खबर, जहां कार सवार बदमाशों ने आतंक मचाया, सरस बूथ पर सिगरेट नहीं देने पर विवाद हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुकानदार के साथ डंडे और सरिया से मारपीट की गई है। भरतपुर से दबंगई की ये खबर, जहां बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। भागने की कोशिश के दौरान गाड़ी मकान में जा घुसी। तो भरतपुर से खबर, तस्वीरें भी आप देखिए, जहां जमकर मारपीट की गई है और सिगरेट को लेकर के ये पूरा विवाद छिड़ता नजर आया। भागने की कोशिश में मकान के अंदर गाड़ी जा घुसी, पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ लिया। हालांकि दो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मथुरा गेट इलाके में सारस चौराहे के पास की ये पूरी घटना, जो भरतपुर से खबर, जहां कार सवार बदमाशों ने उत्पात मचाया, सरस बूथ पर सिगरेट नहीं देने पर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद दुकानदार के साथ मारपीट भी इन बदमाशों के द्वारा की गई है। भागने की कोशिश के दौरान मकान में गाड़ी जा घुसी। साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि पुलिस की गाड़ी को भी इन बदमाशों ने टक्कर मार दी है। हालांकि दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सिवीच दो जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। सरस बूथ पर सिगरेट नहीं देने के बाद ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ। भरतपुर से खबर, जहां कार सवार बदमाशों ने आतंक मचाया, सरस बूथ पर सिगरेट नहीं देने पर विवाद हुआ। भागने की कोशिश के दौरान मकान में घुसी गाड़ी। और चलिए यहां रुकते एक बहुत छोटे से